हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं हूं आपका दोस्त अभी, और दोस्तों आप देख रहे हैं टैग अभी। फाइनली दोस्तों केडीएम ब्रांड का और एक ब्लूटूथ लेके आए। जैसे कि आप देख सकते हैं केडीएम ब्रांड काफी सारे ब्लूटूथ लॉन्च किए, तो इमी इसमें से एक नया और लेटेस्ट प्रोडक्ट है। तो चलिए इसका अनबॉक्सिंग और रिव्यू करते हैं। जैसे कि इसके मॉडल नंबर की बात करूँ तो इसका मॉडल नंबर दोस्तों केडीएम कलर करके जैसे कि आप देख सकते हैं केडीएम A1 कलर करके इसका मॉडल है। और काफी सारे दोस्तों इसके अंदर अलग अलग कलर भी मिलने वाले, आई थिंक कुछ 7 या 8 कलर है। काफी अच्छे दोस्तों यूनिक कलर दिए गए। तो चलिए देख लेते हैं ये इसका अनबॉक्सिंग करके आपको परचेस करना चाहिए। सारी डिटेल में बात करने वाले, तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहना। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि इसी तरह के चैनल पे आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो प्लीज आई होप दोस्तों आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों। चलिए बस दोस्तों बॉक्स की बात करें तो कुछ इस तरह का बॉक्स है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे केडीएम ब्रांड का लोगो दिया गया है, यहाँ पे इसका मॉडल नंबर दिया गया है केडीएम A1 कलर करके, जैसे कि मैंने आपको बताया इसका मॉडल नंबर है। और दोस्तों कंटिन्यू 36 आवर्स ये चलने वाला है विथ म्यूजिक के साथ, तो ये काफी अच्छी बात है। अब इसे एक दिन चार्ज करते हो नॉर्मल कॉलिंग और थोड़ा म्यूजिक सुनते हैं, तो आराम से 2 से 3 दिन आपका ये कंटिन्यू चलने वाला है। बैक साइड की बात करें तो बैक साइड में कुछ इस तरह का हाईलाइट दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पर भी थोड़े इसके हाईलाइट दिए गए हैं। चलिए इसे अनबॉक्सिंग करके देख लेते हैं अंदर क्या क्या दिया गया बॉक्स के अंदर। कुछ इस तरह का है, यहाँ पे हमारा फर्स्ट यहाँ पे प्रोडक्ट रखा गया है। ज्यादा हाई प्राइस वाला नहीं है दोस्तों, मैं आपको फर्स्ट बता दूं, नॉर्मल प्राइस वाला ये ब्लूटूथ। इसके ज्यादा क्वालिटी नॉर्मल होगा, फिर भी देख लेते हैं किस तरह का क्या है। एक एक्स्ट्रा एडिटिव मिलता है बॉक्स के अंदर दोस्तों, और कुछ भी नहीं है। देख लेते हैं, एक एक्स्ट्रा एडिटिव मिल रही है आपको, और एक जो ब्लूटूथ में लगा हुआ ही है तो ये आपको मिल रहा है। और एक चार्जिंग केबल मिल रहा है। चार्जिंग केबल की बात कर लेते हैं एक बार, किस तरह का केबल है। V8 वाला केबल है, जैसे कि आप देख सकते हैं। नॉर कुछ भी लेंथ नहीं है दोस्तों, अगर इसे आप यूज करना चाहते तो नहीं कर सकते, शायद काफ़ी छोटा केबल है, बट आपके हिसाब से आप फ़ोन के चार्जर से भी इसे चार्ज कर सकते हैं। और V8 2 USB दिया गया है। अब आते हैं डायरेक्ट अपने ब्लूटूथ की तरफ। ब्लूटूथ की बात करें तो दोस्तों कुछ इस तरह का ब्लूटूथ है। ये आपको 500 से 600 रुपए में मार्केट में मिल जाएगा दोस्तों, ज़्यादा हाई प्राइस नहीं है। तो दोस्तों क्वालिटी बात करूँगा, क्वालिटी दोस्तों उसके हिसाब से एवरेज दिया गया है। जैसे कि इसकी बात करें तो दोस्तों कुछ इस तरह का ये प्लास्टिक यूज़ किया है, प्लास्टिक थोड़ा नॉर्मल रबर टाइप है, ये भी प्लास्टिक में यूज़ किया गया है। यहाँ पर वॉल्यूम रॉकर दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं वॉल्यूम प्लस माइनस करने के लिए। और यहाँ पर स्टार्ट का बटन दिया गया है। केबल को लेंथ की बात करें तो केबल लेंथ काफ़ी अच्छा और काफ़ी यूनिक दिया गया है, क्योंकि आप इसी तरह से इसे स्मॉल भी कर सकते हैं अगर आपको यूज़ नहीं करना है तो। आप देख सकते हैं इस तरह से ये केबल बड़ा भी हो जाएगा, अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं आपके हिसाब से तो वो भी आप इसे दोस्तों कर सकते हैं। तो ये भी दोस्तों काफ़ी एक अच्छी चीज़ दी गई है। केबल की क्वालिटी की बात करूँ तो दोस्तों इसमें भी एक कोटिंग किया गया है, जैसे कि काफ़ी सारे इसमें कोटिंग आने लगा है केडीएम ब्रांड में। तो दोस्तों इस तरह का कोटिंग होता है, उसमें दोस्तों आपका केबल बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। आप किस तरह से भी इसे कुछ भी करो तो दोस्तों ये खराब नहीं होने वाला है, तो ये दोस्तों काफ़ी अच्छी बात है। और दोस्तों इसमें मैग्नेट भी दिया गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ इस तरह का है दोस्तों इसका एयरबड। और इसमें मैग्नेट भी दिया गया है, इसे आप रिमूव करना चाहते हैं तो दोस्तों इसे रिमूव भी कर सकते हैं, पर ये काफ़ी अच्छी तरह से फिटिंग होता है इसकी वजह से कान में। अगर आप जिम में या और रनिंग में यूज़ करें तो बिल्कुल भी आपका ये निकलने वाला नहीं है अगर इस तरह का आप यूज़ करेंगे तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और काफ़ी यूनिक डिज़ाइन भी दिया गया है इस वजह, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो चलिए इसे कनेक्ट करके भी देख लेते हैं किस तरह का साउंड क्वालिटी है। थोड़ी देर तो आपको दोस्तों एक प्रेस करके रखना है बटन, ये ब्लूटूथ स्टार्ट हो जाएगा आपका। तो चलिए इसे कनेक्ट कर लेते हैं और साउंड क्वालिटी की भी बात करते हैं। तो दोस्तों मैंने इसे कनेक्ट कर लिया, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने काफी बार आपको बताया आपको थोड़ी देर तक बटन प्रेस करके रखना है, कनेक्ट ब्लू और रेड कलर का लाइट होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। ब्लूटूथ कनेक्ट करना इजीली है दोस्तों काफी, इसे कनेक्ट करना। और मैंने इसे कनेक्ट भी कर लिया, यहाँ पे बैटरी लेवल भी दिखा रहा है, जैसे कि अभी इसकी बात करूँ तो इसका बैटरी लेवल दोस्तों अभी 60% दिखा रहा है। तो चलिए अभी प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। प्रोडक्ट का लेंथ की बात करूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था आप एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ के, यहाँ से आप केबल अगर शॉर्ट करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, अगर लॉन्ग करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरह से केबल इसका शॉर्ट हो चुका है। लेंथ काफी दोस्तों अच्छी दिया गया है। और फिटिंग की बात करो दोस्तों, फिटिंग भी काफी अच्छी तरीके से दोस्तों इसका फिटिंग हो चुका है। चलिए इसका साउंड एक बार देख लेते हैं किस तरह का इसका साउंड। तो हम म्यूजिक प्ले करते हैं, साउंड दोस्तों रियली बताऊं तो साउंड थोड़ा सा लग रहा है, तो एक दो पॉइंट आप कम रखना अगर ये वाला प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं केडीएम कलर्स करके। जैसे कि आप देख सकते हैं अगर मैं फुल कर रहा हूं तो साउंड थोड़ा सा मुझे लग रहा है कान में।
साउंड दोस्तों बात करूं तो साउंड में इसका एवरेज कहूंगा, और बेस की बात करूं तो बेस भी दोस्तों एवरेज है। आई नो इसका साउंड में फुल कर रहा हूं तो ये कान में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, अगर आप ज्यादा कंटिन्यू म्यूजिक सुनोगे तो डेफिनेटली थोड़ा सा दर्द होगा। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा अगर परचेस कर रहे हैं तो कम प्राइस में, तो डेफिनेटली आपको इसे परचेस करना चाहिए, बिकॉज इसका प्राइस के हिसाब से प्रोडक्ट दिया गया तो वो मैं कहूंगा काफी अच्छा है। बट इसका वॉल्यूम आप कम रखना, बिकॉज वॉल्यूम फुल में दोस्तों ये थोड़ा ठीक नहीं है। साउंड क्वालिटी काफी अच्छा है, साउंड काफी अच्छा है जैसे कि मैंने आपको बताया। बट एक दो प्रॉब्लम है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह का आपको इस तरह का वीडियो कहीं पे भी देखने में, जो भी प्रोडक्ट में जो डेफिनेटली जो प्रॉब्लम होता है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं दोस्तों केडीएम कलर्स करके, तो वॉल्यूम आप फुल रख के नहीं सुन सकते, बिकॉज काफी लग रहा है इसका बेस जो आ रहा है वो काफी हर्ट हो रहा है कान में। तो इसे परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं सारी डिटेल आपको दे दूंगा, वहां से आप इसे परचेस कर लेना। बाकी प्राइस के हिसाब से जो प्रोडक्ट है, जैसे कि आप हाई लेवल का पेमेंट दोगे तो उस हिसाब से आपको केडीएम का प्रोवाइड प्रोडक्ट मिलेगा। तो इसका प्राइस लो है, आपको 500 to 600 के आसपास उसके अंदर ही आपको दोस्तों ये मिल जाएगा प्रोडक्ट। अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं सारी डिटेल दे दूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि इसी तरह के आपको प्रोडक्ट मिलते रहेंगे। थैंक यू।